बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। हैप्पी सैटरडे। तो आज सैटरडे था और सुबह सुबह हम जो है तो ये 11 o'clock का टाइम है और हम ज़रिया आपको पिक करने जा रहे हैं स्कूल से। ज़रिया आप जानते हैं ये कौन सा रास्ता है? मुझे भी पता नहीं, ये वो ही रास्ता है, ये स्कूल का रास्ता है, ये मुझे पता है। जब हम गुजरते हैं मैं देखती हूँ ये रास्ता। अच्छा, और ज़रिया आपको आज बलून मिला है क्योंकि वो रेस में ही जीता है मेरा। ज़रिया आपको क्यों बलून मिला है? क्योंकि वो नंबर वन था रेस में और मेरा गुड बॉय सब आता है उसको। हाँ जी, और ये देखिए ये इतनी अच्छी सी छतरी है, ये ऑनलाइन हमने मंगवाई थी। ये जब फॉर्म है, ये जब आप वेट करते हो धूप में और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा आप तंग हो रहे हो, तो आपने ऐसे करना है कि बस ये लगा के और शीशे के आगे और हाँ। बस ये बहुत तो अच्छा सा शेड करता है। हाँ जी, और आज मिशाल ने बनाए अपने फ्रेंड्स के लिए ईद कार्ड्स। और आपकी कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं मिशाल? मेरे बहुत ज्यादा है पुरानी। और ये ज़रिया आपके क्रायोन्स हैं और ये हम कार्ड्स, ये मिशाल के कार्ड्स हैं। अच्छा, आपकी कौन सी कितनी फ्रेंड्स हैं मिशाल आपकी? ये इस वर्कआउट के लिए कितने कार्ड्स हैं? अच्छा, मिशाल की बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं। वो आपको पता है टोटल 16 है, अभी 17 18। अच्छा, अभी 18 हुए हैं क्योंकि दो आ गई है। अच्छा, तो मिशाल ने कार्ड्स बनाए हैं और मुझे अपना टाइम, अपनी मेमोरीज जो बचपन की हैं तो वो ताज़ा हो गई। मुझे अपने बचपन के मेमोरीज बहुत ताज़ा हो गई और याद आ गई। मैं कॉपी कैट हूँ। हम ऐसे करते थे ना कि हम ईद कार्ड्स लेते थे और फ्रेंड्स को गिफ्ट भिजवाते थे हाँ। और मेहंदी के कोन लेते थे और साथ में चूड़ियाँ। तो और कभी कभी ऐसे करते थे कि सिर्फ कार्ड्स भी दे देते थे या कभी कभी साथ में गिफ्ट्स वगैरह भी कर लेते थे। तो वो इतना प्यारा टाइम था। हाँ जी, मेरा तार मिला है, कहाँ है? सर, आपके फेस पे स्टार था तो इसका फेस मैंने धो लिया, तो अब वो जाके देखता है, कहता है मेरा स्टार कहाँ गया। और मामा ये क्या है? ये तो मुझे पसंद ही नहीं आए। अच्छा, अब क्या करें? तो बस बचपन की यादें। आप भी कमेंट में बताइए आप बचपन में कैसे, क्या फ्रेंड्स को ईद कार्ड भिजवाते थे कि नहीं। वैसे जो हमारा बचपन था वो बहुत ही गोल्डन टाइम था। अभी याद करती हूँ तो बहुत ही जो है तो दिल खुश हो जाता है। ये जो है जब ये बहुत बोर हो जाती है। हाँ जी, मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ जब बहुत बोर हो जाती हूँ। और आज मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे व्लॉग्स, तुम्हारी वीडियोस में बहुत यकसानियत आ गई है, तो मैं क्या करूँ कि आजकल बस यही रोज़ो शब है और यही वीडियोस हैं। पे और कुछ भी नहीं है। मेरी अम्मी को दिन में, हाँ दिन में सारा दिन सोए रहना क्योंकि भूखे पेट कुछ भी नहीं किया जाता। और फिर जाहिर इफ्तारी के लिए कुछ करना। और ये मेरा नया सूट है, ये मैंने जे डॉट से लिया है और ये सिल के आ गया है। और बस मैं इस्त्री कर रही थी और बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे और होमवर्क कर रहे थे। तो जी, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।